हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी मस्त होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये है वेरना इंडस्ट्रीज़ का व्यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। देख सकते हो कितना खूबसूरत मौसम भी है और सूरज भी ज़बरदस्त निकला है। और ये देखिए बादल कितने खूबसूरत छाए हुए हैं। और ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, ये वेरना इंडस्ट्रीज़ का है। अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे ना, तो मैं एक एक कंपनी का क्या सैलरी है, क्या प्रोडक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कंपनी पेरोल पर तो मुझे आइडिया नहीं रहता है, लेकिन क्या प्रोडक्शन है उस कंपनी का, उसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ एक एक कंपनियों का। ये देख सकते कितना खूबसूरत व्यू है। ये पानी टंकी है, काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और आपको चल के मैं उस साइड से अपना व्यू दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। ओके, ये देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारा है। वेरना इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दूं मैं, ये इंडस्ट्री गोवा में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। वैसे तो गोवा में बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे मड़कई है, कुंडई है, पिलरनी है, मापसा, क्या बोलते हैं उसको, एक मापसा में इंडस्ट्री है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है इधर, आपको मड़गांव साइड में पड़ जाएंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पड़ जाएंगी। देखिए इधर नीचे बहुत खूबसूरत मालसा टेंपल है। ओके, और ये इंडस्ट्रीज़ के पास आने के लिए आप नॉर्थ और साउथ के रास्ते से आ सकते हो। यहाँ पे मड़गांव, वास्को, देन पणजी, दोनों का सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर के अंदर। मड़गांव से 13-14 किलोमीटर वेरना इंडस्ट्रीज़ है, वास्को से 13-14-15 किलोमीटर है, आपको 15 किलोमीटर वहाँ से पणजीम से भी पड़ जाएगा। तो दोनों का लैंडमार्क वेरना इंडस्ट्रीज़ है, उसका लैंडमार्क मेन गेट है, मेन गेट जिसको बोलते हैं टाइटन गेट, वो इंडस्ट्री से और लगभग बीच में ही है, वहीं से आपको अंदर रोड आती है 3-4 किलोमीटर अंदर तक आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी। और यहाँ ऊपर तक देखो, उधर भी मैन्युफैक्चरिंग काम चालू है, बहुत सारी कंपनियाँ, नई बहुत सारी। इधर नीचे इधर कॉम्सकॉप का बन रहा है गैरेज, उसके ऊपर बहुत सारी कंपनियां बन रही है, वो कॉम्सकॉप है। इधर आपको एक और रोजन बर्गर है, इधर सब शोरूम है टोयोटा वगैरह के, तो देख सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके बताओ, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और अभी गोवा का मिनिमम वेजेस भी बढ़ गए हैं, तो अनस्किल की भी सैलरी लगभग मुझे लगता है 12-13 हज़ार रुपये आने वाली है। तो आप लोग कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी वेरना इंडस्ट्री में आना चाहता है तो आ जाए। और बस, लव यू, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, बाय।